हेलो प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम प्राथमिक स्तर पर मानसिक योग्यता विषय में नवोदय विशेषांक पे बात करेंगे। तो आइए शीट क्रमांक 02 के साथ आगे बढ़ते हैं। भिन्न आकृति। भिन्न आकृति या वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है समान लक्षणों के आधार पर भिन्न आकृति को चुनना, अर्थात सामान्य लक्षणों के आधार पर आकृतियों को वर्गीकृत करना। इसके अंतर्गत केवल 4 विकल्प ही दिए गए होते हैं, जिनमें से 3 में एक विशेष गुण के अनुरूप समानता होती है तथा 1 इन तीनों से भिन्न होता है। इस परीक्षण के अंतर्गत आप लोगों को इसी भिन्न पद को ज्ञात करना होगा और यही आपका उत्तर होगा। भिन्न आकृति। बच्चों, भिन्न आकृति टॉपिक में जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको ये 4 विकल्प मिलेंगे, ये चारों आपके ये फिगर्स मिलेंगे इस तरीके से, और इनको लक्षण के आधार पे, इनके गुण के आधार पे, इन चारों में से कोई एक आकृति होगी जो अलग होगी और 3 बिल्कुल अपने लक्षण और गुणों के आधार पर मिल रही होगी। तो आइए उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में आप इस डायग्राम को देखिए, ये लाइंस जो है, ये एक पॉइंट पे, यहाँ पे सभी लाइंस जो है ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। सेकंड में भी आते हैं तो ये सारे लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और ये थर्ड में भी जब हम आते हैं तो ये हमें दिखाई देता है कि ये इनकी सारी रेखाएं जो है वह एक बिंदु पर मिल रही है, जबकि चौथे में ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये बिल्कुल अलग हैं और ये किसी भी बिंदु पर मिल नहीं रही हैं। तो चूंकि ये 3 हमारी ये सेम है, ये 3 जो फिगर्स हैं ये हमारे सेम हैं, तो इसीलिए जो फोर्थ वाला होगा ये हमारा ऑप्शन अलग होगा और यही भिन्न आकृति होगी और यही हमारा उत्तर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो 2007 नवोदय में आ चुका है। सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में आप देखिए ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, ये चतुर्भुज है और ये त्रिभुज है और ये पंचभुज के अंदर एक आयत बना हुआ है। तो इसमें आप देखिए सर्कल है, सर्कल के अंदर भी सर्कल ही है और जो शेडेड एरिया है वो भी शेडेड है। यहाँ पे आप स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर में भी आपके अंदर स्क्वायर एक है और ये भी शेडेड एरिया है। यहाँ आपको थर्ड में ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल के अंदर भी आपको ट्राइंगल ही दिख रहा है और जो शेडेड एरिया है वह बिल्कुल ये तीनों मैच कर रहे हैं। आप जब फोर्थ ऑप्शन में जाते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में ये आपको पंचभुज दिख रहा है, जो बाहर है वो पंचभुज है और अंदर जो फिगर है वो आयत है। तो इसमें आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है, ये स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, जबकि यहाँ पे पंचभुज के अंदर आयत है जो कि इसके लक्षण अलग दिख रहे हैं। इस वजह से सेकंड का जो हमारा आंसर होगा वह फोर्थ होगा। थर्ड में आइए। थर्ड में आप इस तरीके से देखिए ये फिगर्स बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ये फिगर्स हैं और इन फिगर्स में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो लाइनिंग्स हैं, आप फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के लाइनिंग्स को काउंट कर लीजिए, इनके नंबर ऑफ लाइनिंग सेम है, लेकिन जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है इसके अंदर जो इस एरिया के अंदर जो लाइनिंग्स हैं वह ज्यादा है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वह राइट है, तो इसका आंसर सेकेंड होगा। उदाहरण 4 में देखते हैं। उदाहरण 4 के इन 4 विकल्पों में हमें भिन्न आकृति ढूंढनी है। अगर आप इन फिगर्स को ध्यान से देखें तो जहां भी ये फर्स्ट में ये आयत है इसके साथ एक सर्कल है, ये सेकंड में आयत है और इसके साथ एक ट्राइंगल है, और यहाँ भी आयत के साथ एक सर्कल है और यहाँ भी आयत के साथ एक सर्कल है। तो आप 3 फिगर्स को देखिए, इसमें भी आयत के साथ सर्कल है, यहाँ भी आयत के साथ सर्कल है और यहाँ भी आयत के साथ सर्कल है, जबकि जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है आयत के साथ त्रिभुज है। तो इसीलिए इन चारों में हमारी जो भिन्न आकृति होगी वह होगी दूसरी।
पांचवें नंबर पे आते हैं यह प्रश्न। ये तीनों प्रश्न बच्चों ये आपके 2007 नवोदय परीक्षा में आ चुके हैं। पांचवें उदाहरण पे चलते हैं। पांचवें में जब आप देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए, ये आपको जो लाइन दिख रही है ये लाइन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब तीन में है लेकिन इस आकृति में वो लाइन नहीं दिख रही है। भले इसके साथ इस लाइन के साथ यही सेम लाइन है, इस लाइन के साथ सर्कल है, इस लाइन के साथ ट्रायंगल है, साथ में है लेकिन ये जो ये आकृति है इस आकृति में वो लाइन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि इन चारों विकल्पों में जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यही भिन्न आकृति है। छठवें नंबर पे आते हैं। छठवें नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे डार्क एरिया है, ये जो है शेडेड ये लाइट है, ये एरिया डार्क है, ये लाइट शेडेड है, ये एरिया यहाँ पे डार्क है और बाकी लाइट शेडेड है और यहाँ पे ये एरिया डार्क है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो ये बाहरी हिस्सा है, ये भी बाहरी हिस्सा है और ये भी बाहरी हिस्सा है, जबकि तीसरे में आप देखिए जो डार्कन एरिया है, जो सबसे काला वाला एरिया है वो थर्ड में ही है जो कि अंदर है और बाकी तीन में ये बाहरी हिस्से में है। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा ये उदाहरण छठवें का ये होगा थर्ड। सातवें उदाहरण में जब हम इन चार विकल्पों को देखते हैं तो पहले में आप देखेंगे चारों में आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल के ऊपर एक लाइन है और लाइन के दोनों साइड में कुछ डिजाइन बने हुए हैं। आप देखिए ये डिजाइन जो बना हुआ है ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक दूसरे के सामने ये बने हुए हैं। दूसरे में भी सर्कल है, सर्कल के ऊपर लाइन है और इसपे जो एरो का साइन बना हुआ है ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का दूसरी दूसरी दिशा में है। यहाँ पे जब आप यहाँ आएंगे थर्ड में आप देखिए सर्कल है, सर्कल के ऊपर लाइन है और ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है ये सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में भी हमें सर्कल मिल रहा है, लाइन मिल रही है और ये जो डिजाइन बना हुआ है इनका ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे की तरफ ही मूव करते हैं। तो इसीलिए जाहिर सी बात है तो हमारा जो सेवेंथ का जो भिन्न आकृति है वह है थर्ड। और बच्चों ये भी तीनों सवाल आपके 2007 नवोदय में आ चुके हैं। एट पे चलते हैं। एट में आप देखिए इस तरीके का आपका चौकोर डिजाइन है और ये चारों ही चार भाग में बटे हुए हैं, शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया में आपको एक इस यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिलता है और ये सर्कल। ध्यान देने की बात है कि सर्कल आपका बिल्कुल ऐसे बना हुआ है और ये ट्रायंगल जो है ये भरा हुआ है और यहाँ भी सर्कल मतलब इसमें कोई कलर नहीं है लेकिन ये कलर्ड है, पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक किया हुआ है, यहाँ भी आपको ब्लैक किया हुआ है और सर्कल में कोई भी शेड नहीं है। लेकिन जब हम फोर्थ ऑप्शन में आते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल है वो शेडेड नहीं है और सर्कल शेडेड है जो कि इन चारों में डिफरेंट दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमारा एट की नंबर उदाहरण आठवें का जो हमारा उत्तर होगा भिन्न आकृति वो होगा चौथा। अब आते हैं उदाहरण नौ पे। नौवें उदाहरण में देखिए ये एक तरह की आकृति सब में बनी हुई है चारों में, ये बीच का एरिया शेड दिया गया है, ये देखिए बीच वाला एरिया ये शेडेड है और जब ये चारों दोनों चीजें चारों में सेम है तो हम इस डॉट को देखते हैं कि ये डॉट कहाँ डिफर कर रहा है। आप ये डॉट देखिए यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह पे है, यहाँ शेड नहीं है लेकिन ये डॉट शेड एरिया में है, ये भी खाली जगह में है और ये भी खाली जगह में है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो सेकेंड है वही हमारी भिन्न आकृति है। उदाहरण 10 में भिन्न आकृति को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन आकृतियों को आप देखिए, इन आकृति में आप देखिए आपको यहाँ पे दो सर्कल मिल रहे हैं और दो अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको दो न्यूमेरिकल साइन मिल रहे हैं, मतलब कि ये प्लस का साइन है और ये आपको सर्कल और ये स्क्वायर, यहाँ पे आपको स्क्वायर दो मिल रहे हैं, एक अल्फाबेट मिल रहा है और एक प्लस का साइन मिल रहा है, यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक आयत और एक सर्कल। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि तीन चीजें मिल रही हो, जैसे इसमें तीन साइन मिल रहे हैं
और बाकी में दो दो हैं, दो एक ऐसे करके, तो इसीलिए हमारा 10th का जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। 11th में आते हैं, 11वें उदाहरण में आप इन आकृतियों को देखिए, ये सेम आकृतियां हैं, सर्कल छोटा है, फिर एक बड़ा है, उससे भी बड़ा है, तीन है, यहाँ पे भी आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, एक छोटा है फिर उससे बड़ा है और वो फिर उससे बड़ा है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको ट्राइंगल मिल रहा है, फर्क कितना है कि ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं और ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, उसी तरीके से जो ये आकृति है ये भी छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भिन्न है, क्योंकि सभी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं और तीसरा जो है बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए 11वें का उत्तर होगा तीसरा। 12वें में आते हैं, 12वें में ये आकृति आप देखिए, सभी आकृतियां, ये सवाल 2007 में आ चुका है, ये 2008 में, और ये सवाल भी 2008 में नवोदय में आपके परीक्षा में आ चुका है। तो 12वें में जब हम इन आकृतियों को देखते हैं, आप इन आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखिए, पहले में ये सर्कल है जो कि चार भागों में बराबर बढ़ रहा है, ये आपका स्क्वायर है, ये भी चार भागों में बराबर बढ़ रहा है, ये भी आपकी जो आकृति है ये चार बराबर भागों में बढ़ रही है, जबकि आप इस आकृति को देखेंगे तो यह आकृति चार बराबर भागों में नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए हमारी भिन्न आकृति यही हो तीसरी। ये सारे उदाहरण बच्चों 2008 के नवोदय परीक्षा में आ चुका है। 13वें उदाहरण में हम चलते हैं, ये इस तरीके का प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं, इस सवाल में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो पहला दूसरा और तीसरा है जो आकृति है वह कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिल रही है, जबकि जो चौथी आकृति हमें जो बराबर का साइन दिख रहा है थोड़ा लंबा है ये नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए 13 का उत्तर होगा जो भिन्न आकृति होगी वो चौथी होगी। आइए 14वें नंबर पे चलते हैं, उदाहरण 14 में आप देखिए, उदाहरण 14 में ये पूरा आपका ये ओवल शेप बना हुआ है और इसके यहाँ साइड में दो लाइंस बनी हुई हैं जो सब में सेम है, बस हमें ये देखना है कि लाइन में जो ये आकृतियां बनी हुई हैं वो किस तरीके से अलग हैं। यहाँ आप देखिए ये आकृति सेम है, यहाँ भी ये आकृति सेम है, यहाँ देखिए ये ऑपोजिट है, अगर एरो इधर है आप दोनों तरफ देखिए, ये एरो अगर इस साइड है तो दोनों में एक साइड है, जीरो एक साइड में है, ठीक है, यहाँ भी एरो एक साइड में है, जीरो एक साइड में है, जबकि तीसरे में ऐसा नहीं है, तीसरे में एरो इधर है, इधर भी जीरो है, इधर जीरो और ये ऑपोजिट है बिल्कुल, और ये चौथे में भी आप देखिए एरो जिस साइड में है उसी साइड में ये जीरो भी है, तो इसीलिए हमारा इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। 15वें नंबर पे चलते हैं, 15वें नंबर वाला सवाल भी इस टाइप का सवाल हम हल कर चुके हैं कि इसमें आपकी जो पहली आकृति है, तीसरी आकृति और चौथी आकृति है ये चार बराबर भागों में बढ़ रही है, लेकिन दूसरी आकृति है वो केवल दो बराबर भागों में बढ़ रही है, इसीलिए 15वें की जो भिन्न आकृति होगी वो होगी दूसरी। 16वें सवाल पे चलते हैं, 16वें में आप देखिए सर्कल है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, सर्कल है और ये सभी चारों भागों में बढ़ रहे हैं, इसके नीचे आप देखिए सभी में एस है और ऊपर आपका सभी में ओ है, ये सब कुछ मैच कर रहा है, तो अब हम सेंटर पे जाते हैं कि सेंटर में क्या है, आप सेंटर में देखिए, सेंटर में पहले में यहाँ पे सी है, दूसरे में भी सी है और चौथे में भी सी है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है हमारा उसके सेंटर में ओ है, तो इसीलिए 16वें उदाहरण का जो हमारा भिन्न आकृति होगा वो होगा